नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबू सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो जी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री संबंध तालिबानी इनवॉय मेजरली राइट का वीडियो है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैन दोस्तों, मैं उमेश गौरावारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, एक कौम है जज्बे वाली जो कलमा पढ़ के बनी थी, है ना। वो कौम जो है वो फिर लेट गई, इस बार तालिबान के कदमों पे लेट गई, जज्बे वाली कौम। और उसका जज्बा इतना है, उस कौम का इतना ज्यादा जज्बा है कि अब उन्होंने तालिबान के पैर पकड़ लिए और कह रहे नहीं भाई, हमारी बात नहीं मानोगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पर। और तालिबान वाला कह रहे छोड़ो, हमारे पैर क्यों पकड़ती? वो कहता नहीं, हम नहीं छोड़ती। कह रहे छोड़ो नहीं छोड़ती, छोड़ो नहीं छोड़ती, ये चल रहा है, छोड़ो नहीं छोड़ती। अब हुआ क्या कि बन्नू कैंटोनमेंट के अटैक के बारे में आपको तो पता है, कभी कहते हैं 8 लोग मर गए, कभी कहते हैं 9 लोग मर गए, ये पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो सोशल मीडिया पे कहानी कुछ और चल रही है। सोशल मीडिया पे लोग ये बोल रहे हैं कि 1.5 से लेकर 2 दर्जन पाकिस्तानी फौजी मारे गए, लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़े हैं जो पाकिस्तानी फौज बता रही है वो 10 से कम बता रही है। इन लोगों ने तालिबान का जो हेड ऑफ मिशन है इस्लामाबाद में, वो बहुत ही कोई करेजियस आदमी होगा, बड़ा ही जांबाज होगा, क्योंकि पिछली बार इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान का एम्बेसडर था उसको पकड़ के इन्होंने बेच दिया था। पता है आपको, बहुत पहले की बात है, इन्होंने तालिबान के एम्बेसडर को पकड़ के अमेरिकन्स को बेच दिया था। लेकिन वो स्टोरी कभी और सुनाऊंगा, वो भी बड़ी भयानक स्टोरी है दोस्तों। अब इन्होंने क्या करा कि तालिबान के डेप्टी हेड ऑफ मिशन को बुलाया और बोला कि यार तुम बहुत मारती। हम मारती? कितना मारती? तुम बहुत मारती। तो बोला भाई हम मारती, हम गिनती नहीं। तो तालिबान को ये लोग बोल रहे हैं कि यार तुम लोगों ने हमारा बहुत बुरा हाल कर रखा है, तुम हमें क्यों मार रहे हो? 80 भी मुसलमान 83 भी मुसलमान, ठीक है, तो तुम हमें मार क्यों रहे हो? वाई आर यू किलिंग पाकिस्तानीज? अफगान तालिबान बोल रहा है हम कहां मार रहे हैं, कहां मार रहे हैं, पाकिस्तानियों का एक्सपायरी डेट होती, अपने आप शेल्फ से नीचे उतर जाती हूं जब एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती। तो अब ये इनके बीच में चल रहा है तू मैं। अब दोस्तों इसके पीछे भी आपको याद है, बहुत पहले भारत भी बोलता था पाकिस्तान से कि तुम क्यों दहशतगर्द भेजते हो भारत, तुम हमारे बंदे मरवा रहे हो, तुम 26/11 कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान इंडिया को क्या बोलता था? पाकिस्तान इंडिया को ये बोलता था कि नहीं हमने तो नहीं भेजे, आप लोग अपने मनगढ़ंत कहानियां बताई, ये सब भारत ने खुद ही साजिश कर दी, अपने ऊपर ही अटैक कर दिया हमारा नाम बदनाम करने के लिए। ये पाकिस्तान हमें बोलता था। 26/11 के बाद जब इंडिया ने पूरी प्रूफ दी और डोजियर भेजा, प्रॉपर डोजियर भेजा इस्लामाबाद, वो बोला कि भाई इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो तुम्हारे पाकिस्तानी हैं जो बात कर रहे हैं उनकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, सैटेलाइट से आपका बिल्कुल जो कहते हैं कि एरिया हमने मार्क कर रखा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहां से आए क्या है, पूरा भारत ने डोजियर बना के भेजा, पूरा किस तरीके से वो लोग आए और कहां पे उन्होंने अटैक करा, उसके वीडियो, एवरीथिंग इंडिया सेंट टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान का क्या जवाब था? ये लिटरेचर है, ये तो ऐसी कहानी आप उन्होंने गढ़ दी है यार, हमने थोड़ा ना करा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता ना कि किस्मत फिर किस्मत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कर्म, और अंग्रेज कर्म को कहते हैं कर्मा, तो इन पाकिस्तान केस इट इज कर्मा, इट्स नॉट कर्म। इनके कर्म ऐसे थे कि इनको कर्मा हो गया। अब वही चीज जो ये भारत के खिलाफ इतने सालों से कर रहे थे, वही चीज अफगान तालिबान इनके खिलाफ कर रहा है। अफगान तालिबान ने टीटीपी के बंदे छोड़ दिए और वो टीटीपी के बंदे रोज पाकिस्तान की मट्टी को लहूलुहान करके वापस चले जाते हैं, रोज रोज के रोज पाकिस्तान की मट्टी को लहूलुहान कर देते हैं। और पाकिस्तानी वही बोलते हैं कि यार आप क्यों कर रहे हैं, और अफगान तालिबान ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। वेल डन अफगान तालिबान, द पाकिस्तानीज डिजर्व इट, दे हैव डन इट टू अस, यू आर डूइंग इट टू देम। बन्नू में अटैक हो गया,
फॉर्मर स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द पाकिस्तानी तालिबान, इन्होंने एक गाड़ी में बारूद भरा और बारूद भर के इन्होंने पेरीमीटर वॉल में मारा। जब मारा तो वहां पे ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया एंड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ISI एंड ISPR, 8 पाकिस्तानी बंदे मर गए। लेकिन सोशल मीडिया का, ये मैं आपको मेनस्ट्रीम मीडिया का बता रहा हूं, अखबारों का, टीवी का, कि 8 मरे हैं। लेकिन एक्चुअल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 1.5 से लेकर 2 दर्जन, यानी कि एनीवेयर बिटवीन 20 to 24 पाकिस्तानी आर्मी पीपल हैव बीन किल्ड, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है। तो मैंने आपको दोनों, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी ये जो ISPR ये झूठ कह रहा है कि वो, आई एम जस्ट टेलिंग यू बोथ द फिगर्स। मैं आपको सामने दोनों फिगर ला रहा हूं, बाकी आपके, आप खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने बोला है कि वी स्ट्रांगली कंडेम, हम बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं इस चीज की, और बोला है कि TTP को आप लोग पनाह दे रहे हैं और TTP को आप भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर मारने के लिए। अच्छा दोस्तों, मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई, और मुझे कोई पाकिस्तानी ही समझा सकता है। आप लोग खुश थे जब तालिबान काबुल पहुंचा, आप लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं, 40 साल पुरानी आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी थी पाकिस्तान आर्मी की, आपके मन में यह था कि ये जो अफगानिस्तान है आपका, पाकिस्तान का 5वां सूबा है, आप लोगों ने तालिबान बनाया, आप लोगों ने तालिबान को ट्रेनिंग दी, आप लोगों ने इनको रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी बताई, आप लोगों ने इनको ये बताया कि भाई इस तरीके से लड़ो, ऐसे लड़ो। तालिबान के साथ मिलके आपके SSG कमांडोज गए तालिबान के भेस में वो। अब आपका सांप जब आपको डस रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तक कोई पाकिस्तानी मुझे समझा सकता है यार? आपका सांप आपको डस रहा है, आपको कितने लोगों ने समझाया, आपको चाइना ने भी समझाया कि यार ये हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन आपके अंदर का जो लाहौरी है ना, जिसको बड़े मजे आते हैं, उस लाहौरी की जो भूख है वो मिटती नहीं आराम से। अब तालिबान उसकी भूख मिटा रहा है, और तालिबान रोज अपने औजार, अपने हथियार भेज रहा है TTP के रूप में, जो रोज आके पाकिस्तान के अंदर ठोक रहे हैं, और रोज आप लोग गिड़गिड़ाते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं कि यार कुछ करो कुछ करो, और तालिबान है कि उसके दिल में आपके लिए रहम है ही नहीं। अब क्यों नहीं है रहम? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इमरान खान थे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, आप लोगों को तो पता होगा, मैं कई बार कोट भी कर चुका हूं, इमरान खान ने एक्चुअली ये बात बोली थी कि साहब अब अफगान आजाद हो गए, अब अमेरिकन्स चले गए। मैं TV पे एक डिबेट पे बैठा था और मैं इतना सरप्राइज था दोस्तों, मैं आपको किस्सा सुनाता हूं, तभी मैं कहता हूं ना पाकिस्तानियों के साथ ठीक हो रहा है, बिल्कुल दे डिजर्व इट। आपने वो फोटोग्राफ देखी होंगी कि अफगान जो है वो जहाजों से गिर रहे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन ऊपर से गिर रहे हैं, कई हजार फुट से नीचे गिर के मर गए, और भगदड़ हो रही है, जो देश छोड़ना चाह रहे हैं, वो डर रहे थे तालिबान मार देगा तालिबान, तो लोग अपने बीवी बच्चों को किसी तरीके से फेंक फाक के कुछ कर रहे थे अपना, और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। वो काबुल एयरपोर्ट की कहानी आप सब लोगों ने देखी है, ये इमेजेस भी आप देख सकते हैं। उस समय पाकिस्तानी इंडियन टेलीविजन पे आके पता क्या बोल रहे थे कि ये लोग जो भागना चाह रहे हैं अफगानिस्तान से, ये सब इंडियन एजेंट हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, ये अफगानिस्तान के गद्दार हैं, इनको अफगानिस्तान में रहना चाहिए। मैं कई शोज में था, मेरे सामने बोला आप ये समझ लीजिए, वो बेचारा भाग रहा है, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, और पाकिस्तानी हंस रहे हैं, तो पाकिस्तानीज वर लाफिंग, ये इंडियन TV चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तानी हंस रहे थे जब ये देख रहे थे कि अफगान ऊपर से गिर रहे हैं और मर रहे हैं, ये खुशियां मना रहे थे, ये मिठाइयां बांट रहे थे। अब अफगान मिठाइयां बांट रहे, देखो मिठाई बांटने का मौका सबके पास आता है, ये क्रिकेट का गेम है मेरे दोस्त, यहां पे सबकी बैटिंग आती है। अब अफगान तालिबान बैटिंग कर रहा है, आज की तारीख में अफगानी लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे तालिबान के खिलाफ, अब सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठोको, पाकिस्तान को ठोको, और पाकिस्तान को ठोकते ठोकते ऐसा कर दिया है कि पाकिस्तान इनके चरणों में गिर गया, कह रहा है भाई रास्ता निकालो कुछ, कंडेम कर। अच्छा इन्होंने अभी ऑपरेशन लॉन्च करा, बोला कि हम अफगानिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे, तो मारो, किसने रोका है तुम्हें, भेजो अपने एयरक्राफ्ट, भेजो अपने फेमस परवेज मुशर्रफ वाले SSG कमांडोज भेजो, क्यों नहीं भेजते, किसने रोका है तुम्हें, करो ना, अजीम फौज है, दुनिया की नंबर वन फौज है, दुनिया की नंबर वन ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, सभी में लंबर चल रहा है तुम्हारा, सभी में यू आर नंबर वन, क्यों नहीं भेज रहे? इनको पता है
इनको पता है अगर इन्होंने 2-3 बार कर दिया अफगानिस्तान के अंदर तो अफगान तालिबान और टीटीपी मिलकर लाहौर में आग लगा देंगे। इनको पता ही है, इनको पता है कि ये जो मोटे मोटे पाकिस्तानी पंजाबी है ना, इतनी गर्दनों वाले ऐसे जंगली सुअर जैसा जिनका चेहरा है, मोटे मोटे, सवेरे निहारी खाते हैं, दोपहर को बिरयानी, रात को कोरमा, वो वाले पाकिस्तानी पंजाबी ये लाहौर के अंदर महफूज नहीं है, रावलपिंडी में महफूज, सियालकोट गुजरांवाला, हर जगह अफगान तालिबान और टीटीपी आग लगा देगा। इनको पता है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही। ये चुटमुट चुटमुट जाके करते हैं, इसको मार दिया चुटमुट। कोई बड़ा एक्शन करने की पाकिस्तान की औकात नहीं है। और अगर पाकिस्तान अपनी औकात बना लेता है किसी तरीके से अमेरिका से पैसे लेके, अगर ये अटैक कर भी देता है दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ, अगले 15 दिन, अटैक के अगले 15 दिन में आप देख लेना, हैप्पी दिवाली कर देगा तालिबान पाकिस्तान के अंदर, शहर शहर गली गली में, देख लेना। ये मैं आज आपको बोल रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लो। अच्छा, तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तानी और तालिबान और पाकिस्तान में होने वाले हालिया कशीदा वाकया, और उन्हीं पर मेजर साहब मजाक उड़ा रहे थे। देखिए, यहाँ पे जो मरने वाले हैं वो भी जवान हैं, उनकी फैमिलीज हैं, और फैमिलीज अपने मुल्क के लिए उन्होंने जान दी है। अब देखिए, तालिबान एक दहशतगर्द तंजीम है, और दहशतगर्द तंजीम कहाँ पे छुपी हुई है? वो अफगानिस्तान में छुपते हैं जाके, जहाँ पे आम लोगों में रहते हैं जाकर। जब उन पर पिछले अटैक हुआ तो यही मेजर साहब कहने वाले थे कि आम बच्चों को मार दिया यहाँ पे, फलानों को मार दिया, ढिंकों को मार दिया। तो अभी भी पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत है तालिबान की, उनके दरमियान बातचीत हुई है, और पाकिस्तान को उन्होंने छोटी दिलाई है कि हम इन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने कहा है कि हम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए नहीं देंगे। और ये उनके लिए भी पेचीदा सूरत हाल है, क्योंकि उनकी अभी नई नई हुकूमत है, कोई इस तरह के मामला उन्होंने काबू नहीं पा सके कि हर जगह पर उनका कंट्रोल हो जाए। वहाँ पे इससे बहुत सारी अभी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो वहाँ पे काम कर रही है, और उनमें पाकिस्तान तालिबान जो है वो भी एक है, और वहाँ बॉर्डर से घुसते हैं और अटैक करते हैं कहीं ना कहीं पे, तो फिर भाग जाते हैं। और ये उसी तरह से अटैक है कि जैसे आप कश्मीर में देख लें, वहाँ पे भी दहशतगर्दी की सर उठा रही है और वो अटैक करते हैं और वो भाग जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि तालिबान अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, तालिबान हुकूमत जो अफगानिस्तान में है, तो पाकिस्तान और वो मिलकर इनका खात्मा करेंगे। अगर ना भी हुआ तो पाकिस्तान इनके खिलाफ कोई ना कोई जरूर एक्शन लेने की पोजीशन में है, ये बिल्कुल नहीं है। और तालिबान ये वो वाले तालिबान नहीं है कि जिनके उन्होंने पांव पकड़ लिए, ये कुछ तो ये तालिबान अफगानिस्तान हुकूमत है, और अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से ये जो अटैक्स हैं वो नहीं हो रहे, ये वो दहशतगर्द तंजीम है जो अफगानिस्तान जहाल लड़ने के लिए यहाँ पाकिस्तान में एक तंजीम बनी थी, और फिर वही हमारे मुंह को ही आ गई है, और हमारे जो गले पड़ रही है। सिविलियंस को कभी निशाना बनाते हैं, कभी सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाते हैं। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो हैं अपने देश पर अगर जो जान को बान करने वाले हैं, तो उनकी फैमिलीज हैं, उनके भी परिवार होते हैं, और सब कुछ होता है, उन्होंने देश के लिए जान कुर्बान की है। तो अगर एक इंडियन सोल्जर मरता है तो वो भी देश के लिए ही मरता है, वो भी देश का प्राइड होता है, और अगर एक पाकिस्तानी सोल्जर मरता है वो देश पे कुर्बान, तो वो देश का प्राइड है। आपके कहने से ये बातें ये कम नहीं हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान को कहा है, और उन्होंने कहा है कि हम आपका भरपूर साथ देंगे, अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो आप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं दी जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। देखिए कि ये जो तंजीमें हैं वो और हैं, जो हुकूमत है अफगानिस्तान की वो और है, जो ये हमले कर रहे हैं वो तंजीमों वाले कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने ये जो इत्माद दिया है कि भाई इनको ख़त्म करने के लिए हम आपका साथ देंगे, आपके खिलाफ हम अपनी सरजमीन जो है वो हम इस्तेमाल होने नहीं देंगे, इन जो तंजीमें हैं तंजीमों के सिर करदा को हम खुद कुचलेंगे, हम खुद ख़त्म करेंगे। अफगानिस्तान में वो अमन लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान के अमन के लिए भी वो कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे, हम जो ऐसी तंजीमें हैं उनको हम खत्म करेंगे जो सिविलियन पर अटैक करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते हैं, और बाद में नाम जो है वो तालिबान का लग जाता है कि भाई ये जो हुकूमत में तालिबान है
उन्होंने जो है ये अटैक करवाए हैं, लेकिन वो अटैक नहीं करवा रहे। उन्होंने पहले भी कहा कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको खत्म करने के लिए हम आपके मावन हैं, हम आपसे तावन करेंगे, हम उन्हें खत्म करेंगे, आप अपनी तरफ से खत्म करें, हम अपनी तरफ से उन्हें खत्म करते हैं। जो सिरकरदा नासर हैं उनको, उनके लिए जो है ये ऑपरेशन जो पीछे शुरू किया गया था उन्हीं के लिए किया गया था। यही चीजें हैं कि वो अब इत्माद में ले रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत को कि भाई हम आप ऑपरेशन शुरू करें, हम आपका साथ देंगे। अफगानिस्तान के अंदर जो तंजीमें हैं, जो उनके ग्रुप्स के सिर करदा हैं, उनको हम जो है वो कुछ लेंगे। बिल्कुल जी, अब देखिए कि ये बड़ी अफसोसनाक होता है कि अब देखिए कि हमारे जो जवान जो है ना वो शहीद होते हैं तो खुशी होती है इंडियंस को, और जब इंडियन जवान शहीद होते हैं तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी खुशी होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जवान जो है ना वो अपने मुल्क के लिए अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहा होता है, चाहे वो कश्मीर में शहीद हो रहा है तो उसको भी वो अपने वतन के लिए मर रहा है। तो अगर कोई अफगानिस्तान बॉर्डर पे अगर कोई बन्नू के अंदर जो है ना पेशावर में अगर कोई शहीद हो रहा है तो वो भी अपने मुल्क के लिए हो रहा है, और उसके ऊपर ऐसे बातें करना और मजाक बनाना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चीजें यही है कि मीडिया में देखना, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी और बहुत सारे हिंदुस्तानी भी इन्हीं चीजों को पसंद करते होते हैं कि देखिए कि हम किसी तरीके से पाकिस्तानी कहते हैं कि हम इंडियन को कहीं खबर आए हम उनको नीचा दिखाएं, और वो कहते हैं कहीं से पाकिस्तान की ऐसी खबर आए हम उसको नीचा दिखाएं। तो ऐसा नीचा दिखाने से हम अपने लिए गड्ढे खोद रहे होते हैं। और देखिए अगर ये यहाँ पे हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, तो ये भी हमारी कमजोरी से है। अगर कश्मीर में ये अटैक्स हो रहे हैं तो वो आपकी कमजोरी की वजह से हो रहे हैं, और ये हमारे अपने ही बीज बोए हुए हैं और बाय से कोई भी नहीं आगे कर रहा। तो चीजें यही हैं, तो हमें इन चीजों पे दुख होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के सोल्जर हों चाहे वो हिंदुस्तान के सोल्जर हों। और अगर देखिए कि अब हम किसी के पांव पकड़ रहे हैं, अब बात करने से तालिबान के साथ बात करने के जो हम जो वो उसको कहते हैं पांव पकड़ रहे हैं, तो जब आप इन चीजों के ऊपर जब होते हैं तो जब आप पाकिस्तान के जो वहां पे लगे होते हैं एम्बेसडर, जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो क्या आप उनके पांव पकड़ रहे होते हैं? वहां पे आप उनका गला पकड़ रहे होते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने जो उनके पांव पकड़ लिए हैं। तो अगर भाई पाकिस्तानी पांव पकड़ रहे हैं तो फिर आप क्या करते हैं? ठीक है, अगर आप गला पकड़ रहे हैं तो पाकिस्तानी भी इसको कहेंगे हम गला पकड़ रहे हैं। तो इन चीजों से निकल आना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है। बिल्कुल मोदी जी ने जो कहा था कि भाई आप अपने घर को ठीक कीजिए, हम अपने घर को ठीक करते हैं, लेकिन वो तो किसी हद तक आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम अभी तक उस तरफ नहीं आए। बिल्कुल हमें इन चीजों पे बातचीत होनी चाहिए, हमें अपने आप को अहल करना चाहिए। तो बातें होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे लगे हुए नुमाइंदे होते हैं ममालिक की जो तर्जमानी कर रहे होते हैं, चाहे वो तालिबान हुकूमत के हों, चाहे हिंदुस्तान हुकूमत के हों या अमेरिकन हुकूमत के हों, जब भी ऐसे मामला होते हैं तो उनके साथ ही बातचीत की जाती है, चाहे पांव पकड़ लें उनके, चाहे उनके गिरेबान पकड़ लें। तो बातों से जो है ना मामला हल होते हैं, तो इनसे करने चाहिए। तो ये ऐसे जो मिलिट्री विंग्स हैं, जो ऐसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको मिलजुल कर ही जो है ना खत्म किया जा सकता है। एक मुल्क कभी भी किसी भी ऐसी तंजीम को खत्म नहीं करता, क्योंकि ये ममालिक ने खुद ही बनाए होते हैं, अपने पाओं पे खुद ही कुलाड़ियां मारते हैं। और अब इन जो सांप हैं जो खुद को ही डस रहे हैं, इनके लिए बिल्कुल जो है ना वो ऑपरेशन और करने चाहिए, इनकी सरकूपी होनी चाहिए। तो ये जो फिर से सर उठा रहे हैं, ये क्यों उठा रहे हैं? ये फिर से दहशतगर्दी की हवा जो है आ रही है, क्यों आ रही है? फिर से हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? हमें देखना चाहिए। हाँ, बाकी मीडिया है, चाहे हिंदुस्तानी मीडिया है या कोई मीडिया है, वो उन्होंने बात करनी होती है, वो भी अपनी जगह पे राइट है, लेकिन हमें अपने आप को देखना चाहिए हमारे यहाँ कहाँ पे कमियां हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो हमारे जो वजीर खारजा हैं, हमारे वजीर दिफा हैं, जो भी हमारे दिफाई इदारे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये हालात अब कशीदा क्यों हो रहे हैं, इनको नॉर्मल करना चाहिए। हालात भी कशीदा हो रहे हैं, मुश्किल भी ठीक नहीं हो रही, तो इन सब के जिम्मेदार कौन है? इन चीजों को हमें देखना चाहिए, अहम लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे आज हुकूमत है इनको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और पाकिस्तान के अंदर जो है ना अमन अमान कायम हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है जी, कश्मीर में अटैक हो जाए तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दो, बहुत सिंपल वे है। और अगर पाकिस्तान में हो जाए तो इल्ज़ाम इंडिया पे लगा दो कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके आड़े आ रहे हैं ये लोग, और अफगानिस्तान के जरिए तालिबान के जरिए राय बैकेंड पे इनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, इन चीज़ों से निकल कर अगर ये दोनों देश मिलकर इन चीज़ों का खात्मा करें तो मेरा ख्याल है कि दोनों देशों का ही भला होगा। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।